सब दे दिवाली पिंड वाले भैया ना, दे दिवाली के ना। तो आप देख सकते हैं कि गंगा जी में बह के आया है, बॉडी पर बह के आई है। तो दोस्तों बताना चाहेंगे इस समय घाट पे आ चुका हूँ, और बताया थे कल है आपका छठ का पहला पर्व है, यानी कि कल शाम का रख देंगे लोग, उस अगले दिन सुबह का देंगे ऑफ, यानी 15 नवंबर को देव दीपावली है, उसकी भी तैयारी घाटों पर चल रही है। और इस समय नगर निगम द्वारा घाटों पे बहुत तेज़ी से सफाई चल रही है नमामि गंगे के तहत, और जितने भी फिल्ट हैं लगे हुए हैं उनको हटाया जा रहा है देव दीप, यानी कि ज्यादा छठ और देव दीपावली देखते हुए, यानी ज्यादा छठ कल है, दो दिन रहेगा कल और परसों, उसके बाद देव दीपावली होती है। तैयारी जो चल रही है जबरदस्त तरीके से चल रही है, चलते हैं आपको दिखाते हैं घाट, जो घाटों में जो सफाई चली वीडियो वो लास्ट तक बनी रही। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट पर लगा हुआ है दशाश्वमेध पे छठ के लिए, क्योंकि कल से पहला रथ शुरू हो रहा है शाम और अगले दिन सुबह का। ये देखिए जो दौरा और सूप मिल रहा है, देखिए पूरा फल का मंडी लगा हुआ है, भीड़ गजब की होने वाली है। तैयारी चलिए घाट पे चलते दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए पूरा मंडी सजा हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए इधर इधर भी लगा हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं, इधर सब जगह। ये देखिए इधर एकदम लगा हुआ है फल, चलते हैं यहाँ से घाट की तरफ। अरे गाना भी बज रहा है छठ का, पूरा एकदम घाट एकदम जगमगा जाता है। ये देखिए इधर भी ओह सब लगा हुआ है, चलते हैं आगे अभी हम लोग। ये देखिए क्योंकि कल परसों दो दिन है 7-8, उसके बाद भी देव दीपावली तैयारी और घाटे भी तैयारी जो चल रही है वो दिखाऊंगा चल के, देखिए साफ सफाई हो रहा है सामने। अभी देख रहे हैं शीतला घाट है ये, ये देखिए इधर सामने यहाँ पे आरती होती है। श्री बड़ी शीतला माता माई धाम, शीतला माता का मंदिर है ये, जय माता दी। तो अभी भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं घाटों पे, और जो लोग आते हैं दूर से तो अच्छे भी सीखते भी घाट भी अपना पूजा करने के लिए। यह है मुंशी घाट। तो आपको बताना चाहेंगे छठ और देव दीपावली की तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रही है, देखिए जूम होकर दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए साफ सफाई चल रही है, इस समय बोटो जितनी मशीन लगाई गई है बताना चाहेंगे उसकी संख्या बढ़ा दी गई है, और इस समय बड़ा तेजी से सफाई किया जा रहा है घाटों का। चलिए पास दिखाता हूँ मैं, सामने आप देख सकते हैं कल डाला छठ, यानी कल पहला अर्घ है शाम का, उसके बाद अगले दिन सुबह का है अर्घ, और उसके बाद आपका 15 नवंबर को आने वाला है देव दीपावली, उसकी तैयारी चल रही है। यानी कल तो जब छठ पूजा कल स्टार्ट हो रहा है, कल है तो रहेगा ही, लेकिन उसकी सफाई चल रही है घाटों पे, और देव दीपावली की भी सफाई चल रही है बड़े तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइटें वगैरह जो भी गड़बड़ है उनको भी सेट किया जा रहा है, और जो काम चल रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर झालर वगैरह भी लग चुके हैं घाटों पर, ये देखिए। तो आपको दिखाना चाहूँगा एक घाट से दूसरे घाट पर जो जाना है, तो जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है, आप किसी घाट को संपर्क जुड़ चुका है जितने भी घाट थे, और साफ सफाई जो डाला छठ बताने कल डाला छठ, उसके बाद देव दीपावली आने वाला, उसकी तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रही है घाटों पर जैसा तैयार, और जितने भी लाइटें वगैरह ख़राब है उस लाइटों को भी सही किया जा रहा था, घाट आपका सजावट भी किया गया घाटों पर। तो आप ये है दशाश्वमेध घाट, यहाँ पे भी देखिए आरती वगैरह होती है, और देव दीपावली का भी विशेष आरती होती है, यहाँ 15 नवंबर देव दीपावली है ना, काफ़ी विशेष आरती होती है यहाँ पे, और उस दिन किसी को एंट्री नहीं मिलती थी, साफ सफाई चल रहा है यहाँ पे। चलते हैं हम लोग इधर से, ये देखिए कुर्सियाँ वगैरह लगने लगी हैं घाटों पे, जो पहले आता है उनके लिए तो बढ़िया है, जो बाद में आया तो फिर चीज़ कुर्सी नहीं मिलेगी बैठने के लिए, लेकिन उसके लिए भी है, अगर आप पैसे वगैरह देंगे तो आपको मिल जाएगी कुर्सी बैठने के लिए। चलते हैं और इधर से हम लोग और आगे घाट पे काइडो की तरफ चलते हैं, ये देख लीजिए यहाँ से। ये आप देख रहे हैं राजेंद्र पसर घाट है, और ये मंच है उस
यहाँ पर देखिए कुर्सियाँ लगाई जा रही आरती देखने के लिए, इसका पैसा देंगे तभी आप चढ़ पाएंगे इस पर वोट पे। तो आप देख सकते हैं कि इधर भी मनमंदिर घाट अभी सफाई चल रहा है, थोड़ा तेजी से सफाई चल रहा है इस समय, और हर घाटों पे इन रेलिंग को पेंट किया जा रहा है। हाँ जी, तो ये देखिए आप जो सफाई चल रही है, मिट्टी पूरी सील्ड है, पूरा मिट्टी सील्ड हट जाएगा आज आज। तो ये देख सकते हैं कि बड़े से शेप में नाव बन रही है यहाँ पे, अभी भी यहाँ पूरी तरीके से सफाई नहीं किया गया है, देख सकते हैं मिट्टी की सील जमी हुई है। और देख सकते हैं दीदी पॉली तैयारी चल रही है, घाटों पे पेंट किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे सब दे दिवाली पेंट हो रहा है ना, दे दिवाली के ना। देखिए इधर पेंट हो रहा है ना, आपको दिखाता हूँ मैं आपको, इधर देखिए ये सब दे दिवाली की तैयारी जबरदस्त तरीके चल रही है। तो आप देख सकते हैं कि अभी इधर भी बचा हुआ है, तिपराबरी घाट है ये फील्ड, ये है आपका मेर घाट। घाटों का सफाई हो गया, दुकानें लगने लगी, अभी भी उतना पानी नीचे नहीं गया है। देखिए यहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं, और मौसम धीरे धीरे से नवंबर महीने चल रहा है, और बताना चाहेंगे आपको कि जो धूप की तेज़ी से धीरे धीरे कम होता जा रहा है। नहीं कुर्सियाँ वगैरह लगाई गई हैं, सब सीवर का पानी है सब। तो सामने आप देख रहे हैं ये जेटी है, अभी भी तो डूबा हुआ है, पानी भी नीचे तक गया है बट लेकिन भी थोड़ा सा ऊपर है पानी। और सामने एक चीज़ बताता हूँ, जो यहाँ पे नाला बह रहा था, सीवर बह रहा था, जो वीडियो में इतना पावर है लोग बना बना के वीडियो, यहाँ का जो सीवर बह रहा था वो बंद करा दिए हैं। अच्छा रहा ना, यहाँ पे क्या हो गया कि दर्शन करने आते थे लोग और नहा धो के जाते थे, भाई उसी पर छिट्टा पड़ गया कुछ भी, तो सही नहीं था ना, इससे गलत संदेश भी जाता है। तो बंद होने का मुख्य कारण ये भी था कि वीडियो बनाने लोग इससे बंद हो चुका जो सीवर बह रहा था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मिट्टी का जो सील्ड है अभी भी है, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी इसका भी सफाई होगा जब पानी थोड़ा कम हो जाएगा तब। अभी रेलिंग और जेटी है पूरा पानी लगा हुआ वहाँ पे, यहाँ पे ले जैसे होता है होगा उस दिन दीदी पॉली पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी सफाई कार्य चल रहा है, और जो नाला बह रहा था बंद हो चुका है, दिखाता हूँ चल के मैं आपको। सामने है बाबा विश्वनाथ धाम गंगा द्वार, तो आप देख सकते हैं सामने मनगंगा घाट है, और जस्ट बगल में जो नाला बह रहा था यहाँ पे सीवर का, वो बंद हो चुका है। चलिए आपको दिखाते हैं इधर भी, देखिए ये भी देखिए बेहतर सीवर वो बंद हो चुका है एकदम। ये देखिए क्रीम मेड लगा के घेर दिया गया इसको। तो सामने देखिए कितनी भीड़ आ रही है, देखिए यार